आज एक और हमें बहुत बड़ी, मैं तो कहूंगा कि जी वायरल सेंसेशन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम लंदन ख्वातीनो हजरात, इनका नाम सुन के आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ऑल द वे फ्रॉम लंदन आ रहे हैं, पीएचडी इन्होंने डबल किया हुआ है म्यूजिकोलॉजी में, वाह, एक घंटे के अंदर। प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम लंदन चाहत फतेह अली खान। चाहत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बट सर, बिल्कुल साफ आ रही है जी, बट सर आवाज जी। चाहत साहब कैसे हैं आप? वाह 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 वाह, सर बप्पी लहरी के बाप लग रहे हैं गेटअप किया हुआ है। जप्पी लहरी लोग आगे से हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, इन्होंने पीछे से करवाया। चाहत साहब वेलकम टू द शो। नताशा और आप आज हमारे साथ खेलेंगे, थ्रू आउट शो में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले तो चाहत साहब मुझे बताएं कि क्रिकेट का आपको कितना शौक है? सबसे पहले तो मैं आपका और असद साहब का और आपकी पूरी टीम का और समा चैनल की पूरी मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया। चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन, अस्सलाम वालेकुम जी। जिसका आप हिट हो रहे ना, जाली डॉलर पे आपकी फोटो आ जानी है। अच्छा, ये बोलते भी अपने गाने की तरह ही है। हाँ जी बिल्कुल, तोड़ तोड़ के। क्या बात है यार, बड़ा अच्छा स्टाइल है बोलने का, जैसे मरीज बातें नहीं करता। बेहतर है अब मैं सोने लगाऊं, जाओ। अच्छा चाहत साहब, आपसे सबसे पहले तो पूरा पाकिस्तान ये सवाल पूछना चाहता है कि पीएसएल का एंथम की सुपारी किसने आपको दी थी? ये आप कहां से आपने सोचा कि पीएसएल का एंथम मैं गाऊं? अच्छा, मैं जवाब देने से पहले आपके जितने भी मेहमान आए हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, जो भी बैठे हैं स्टूडियो में। और जी, सात महीने पहले मेरे जहन में आया कि मैं जी लिखना शुरू हो गया हूँ, सदका भी रहा हूँ, कंपोजिशन भी कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट इस दफा पीएसएल के लिए कुछ लिखा जाए। तो मैंने चार महीने पहले लिखना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा सा, तो लेकिन फिर अल्लाह ख्याल रखे मुकम्मल हो गया। फिर माशाल्लाह मैंने जो आखिरी मेरा जिम लेना था कंपोजिशन की, फिर बार बार गाया, ठीक है जी, तो अल्लाह का शुक्र है। वायरल इस तरह हुआ कि वो तो लग रहा था कि फेसबुक वाले आपके सांडू है कोई। खुद बहुत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगला वर्ल्ड कप आने वाला है, ये वर्ल्ड कप के गाने की आपको किसी ने साही दे दी है? अभी से टारगेट कर लिया कि आपने वर्ल्ड कप का वो गाना करना है? पहले मुझे पहले जब क्वेश्चन किया उसका आंसर देने दें, तो बट सर मैंने पिछले 6 महीने में 6 गाने कर लिए थे माशाल्लाह, और 6 महीने तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जी गए। लेकिन ये जो पीएसएल, ये जो अपना प्यारा पीएसएल है, ये माशाल्लाह मिलियंस में चला गया, हिट हो गया। अभी तक किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं लिखना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं, पीएसएल वालों की आउटगोइंग कॉल बंद हो गई है। आप फ्यूचर में आपका नाम हो रहा है चाहत रहमान कमर। और आपको पता है ये वाले गाने का आमद भी इनको उधर हुआ था बाथरूम में। कहाँ? ओ यार, अच्छा यार उधर पानी नहीं आ रहा था, इनको 10 मिनट ज्यादा लग गए, उधर आमद हो गया। पीएम प्राइम मिनिस्टर आपसे डायरेक्ट मुखातिब होना चाहता है। अच्छा एक अर्ज सी जनाब, वडे पाइन भी लंदन ने, तुसी भी लंदन हो, जाके उन्होंने गाना सुनाओ, शायद वापस आ जाए। ऐसे बहाने वापस आ गए, आए नहीं रहे। आपका गाना सुन लेके चलो भी उठो चले। नताशा, आपने आपने चाहत साहब का गाना सुना हुआ है? नहीं। अच्छा, तो फिर सच्चाई गाना साहब, चाहत साहब मैं टाइम आपका जरा, क्योंकि छोटा जरा मुझे गाना चाहिए। नताशा हमारे साथ आई हुई है, नताशा अली बहुत बड़ी हमारी अदाकारा भी हैं, आपने इनकी खूबसूरती पे 2 लाइनें जरा कह दें प्लीज फौरन। अच्छा जी, नताशा की खूबसूरती पे, नताशा की खूबसूरती पे मैं कह देता हूं, उस सवमी ने दी नताशा, सवमी ने दी दुनिया अच्छे, सवमी ने दी दुनिया अच्छे, कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा, ठीक है। चाहत साहब क्या बात है आपकी, क्या बात है। एक गाना फ्लॉप हो गया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जी जी, एक और जी गाना आ रहा है, ठीक है जी, पंजाबी इसका
रोक के रखे वो गाना रोक के रखे जरा। जोर से आ रहा है गाना इनको बड़ी जोर से। गाना पेट में फट जाता है। हाँ, बस हो जाता है। नहीं आने जी वो हाँ। नताशा कह रही है कि एक मिनट जरा रोक के रखिए क्योंकि ऑब्वियस बात है अभी काफी लंबा शो है। हम लोगों ने नताशा के साथ गेम भी खेल लिए। चाह साहब है हमारे साथ भागे कहीं नहीं तो नहीं आगे उनको चाह साहब नहीं वो बाथरूम गए नहीं इधर ही है चाह साहब चाह साहब आपसे मुबारक चेहरा। अच्छा चाह साहब ये क्रिकेट का सवाल क्योंकि आपने क्रिकेट के लिए गाना गाया मुझे बताएं कल जो मैच होने जा रहा है फैसलाबाद फैल्कन्स और हैदराबाद ढक्कन्स का इसमें कौन सी टीम को जितवाने लगे पीएसएल में? फैसलाबाद फिर से नाम दीजिए। फैसलाबाद फैल्कन्स और हैदराबाद ढक्कन्स इन दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी कल? फैसलाबाद ही जीतेगी। इधर तक तो मुंह है। चाहत भाई मुझे एक बात बताएं, आपने एक बरादरी है जो के कहती है कि जी आप कातिले मौसीकी हैं, तो क्रिटिसिज्म को आप कैसे फेस करते हैं? सर मैंने 7 साल जी पहले जी म्यूजिक का माशाल्लाह जी बोलना बिछोना जी स्टार्ट किया, तो मैंने 700 फोटोज किए हैं फेसबुक के ऊपर टू स्टार्ट। तो अब तो माशाल्लाह ट्विटर के ऊपर होते हैं, वैसे जी लाइव भी होते हैं टिकटॉक के ऊपर भी इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो मैं यूज्ड टू हूँ, जब भी कोई जी क्रिटिसिज्म होता है तो मैं उनकी इज्जत ही करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अभी इनके दिल में मेरी जगह थोड़ी सी बनी है लेकिन कुछ महीनों के बाद पूरी बन जाएगी। क्या बात है जी, क्या बात है। आपको खुद ये स्कूटर वाले चाहत साहब से इन्होंने मुझे फेसबुक से अनफ्रेंड क्यों कर दिया? तुम्हारा फेस ठीक नहीं है। ओह नो द फेस वॉश ऑन इट। चलो कोई बात नहीं, हम कह देते हैं तुम्हारी जगह पे अपना क्या नाम है चाहत भाई, ये लड़की आपको करेगा फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट और लिखा होगा उमर अकमल तो उसको यस कर ले। और मैं तो वैसे भी आपको स्कूटर पे फॉलो करता हूँ। अच्छा चाँद भाई ये आपने बात कही थी कि आकिब जावेद को क्रिकेट आपने सिखाई है, तो ये बड़ा बोल बोलने के बाद आपको वालचार हुआ था कि पहले ही? ये बिल्कुल जी दुरुस्त है। जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुरा का कैप्टन था 2 साल के लिए क्लास 9th और जी 10th में, तो वो 9th क्लास में वो अभी जी नए आए थे स्कूल में, तो उसके वो अपने अब्बू के साथ अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे, तो ट्रायल देने के लिए आए थे। मैं हर साल 2 दफा जी स्कूल के जी ट्रायल उधर ही लेता था कि नए नए जी लड़के सामने आए, क्योंकि स्कूल की तादाद तकरीबन 8 से 10 हज़ार उस वक्त जी थी पूरे स्कूल की। तो ऐसे ये भी आए, ठीक है। तो मुझे इनका ये सिर्फ स्टाइल अच्छा लगा कि ये जंप अच्छा लेते थे, हाइट अच्छी थी, लेकिन बॉल इनका कोई भी अंदर नहीं जाता था, वाइट होते थे इतने इतने वाइट। तो फिर लेकिन मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, इन्होंने जी मेहनत की, ठीक है। फिर मेरा और इनका जो नेट था शेखपुरा जिम खाना का वो भी जी सेम था, लेकिन पहली दफा स्कूल में इनको मैं जी लेके आया था उस वक्त 6ठी क्लास में। अच्छा चाँद भाई ऑब्वियस बात है ये जो आपने बात कही है ये सच ही होगी, लेकिन ऑब्वियस बात हम लोग इसके ऊपर जरा मतलब रिसर्च भी करेंगे। हमें पूरा यकीन। नताशा के लिए एक गाना आपने डेडिकेट करना है जो कि आपका सुपर डुपर हिट है, जिसने यूके के सारे चार्ट्स तोड़ दिए थे जमीन के ऊपर। उसका नाम है सांसों की माला। वो अगर ये नताशा के लिए सर ये नताशा है जो यहाँ लड़की बैठी हुई है, ये मामा केट कर दो जी। ये नताशा, इसको आपने गाना डेडिकेट करना है सांसों की माला, ठीक है। नताशा जी खास तौर पे आपके लिए, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, माला पे माला पे सांसों की, सांसों की माला पे सांसों की, सिमरू मैं नताशा का नाम।
नसीर सुन, मैं कहता हूँ अगर आज भट साहब, चाहत साहब, मैं कहता हूँ अगर आज नुसरत फतेह अली खान साहब हयात होते तो दोबारा दुनिया से कूच कर जाते। वाह 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 वाह, क्या ट्रिब्यूट आपने पेश किया। लेकिन ये जो ऐसा अच्छा गाना है इसको होना चाहिए सांसों की माला से ट्रक गुजर जाए। वैसे वैसे शायरी कमाल है। नहीं लेकिन ये कोई उससे ओरिजिनल से मिलता जुलता गाना नहीं है। आपके लिए गाया है। एक मिनट में चेंज करना खुद को, शायरी को बदलना और आपके ऊपर लेकर आना, ये मामूली बात नहीं है। क्या बात है। अच्छा चाहत साहब जाहिर बात है जब से आप वायरल हुए हुए हैं, आपको पाकिस्तान में फंक्शंस की ऑफर आई है? नहीं जी। किसकी ऑफर आई? एक तरफ से फंक्शंस की शो फंक्शन करने की। बहुत ज्यादा। तो कहां से फंक्शन शुरू करना चाहेंगे जी? वो इधर पाकिस्तान करते नहीं है, वो बच्चा इधर छोटा छोटा शरारती है ना। जी जी जरा बताइए जी चाहत साहब। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की 65% यूनिवर्सिटी ने मुझसे राबता किया हुआ है, कह रहे जैसे आप आएंगे तो प्लीज हमारी यूनिवर्सिटी में आके जी शो करना। अरे वाह वाह चाहत फतेह अली खान साहब, मैं आपका एक अडियाला जेल में फंक्शन कराना चाहता हूँ। अगर आप आए एक बार सिर्फ मेरे घर आपकी मवाली नाइट होगी। मवाली नहीं नहीं मियां साहब, अडियाला जेल में नहीं, आखिर उनका ऑनर है, इज्जत है यार। बिल्कुल बिल्कुल। गोल मंडी थाने में तुहाडा प्रोग्राम कराना है। मैं चाहना सी इन्हें पैसे सुटिए कि तुहाडी स्वेलिंग ना जाए मीना। चाहत साहब आप हमारे साथ हैं, नताशा भी हमारे साथ है। चाहत साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं आप सर? लंदन में अभी मौसम कैसा है जरा जल्दी से बता दें, आपसे कुछ हमने सवाल भी करने। माशाल्लाह जी लंदन, जी लंदन में शुक्र अल्लाह का कि अब मौसम जी ठीक है जी, लेकिन इस दफा सर्दी बड़ी ठीक ठाक पड़ी है। आज तो बड़ा अच्छा खुशगवार सा मौसम। अच्छा मुझे बताएं चाहत साहब, वो कौन सा सिंगर है जिसको आप गाना गाना सिखाना चाहते हैं? बहुत सारे। पता क्या जी, माशाल्लाह पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लड़के लड़कियां जी कह रहे हैं कि प्लीज हमें अपना शगिर्द जी बनाएं। ठीक है जी, सबसे पहले तो उनको, बाकी पता क्या किसको मैं जी कहूँ, क्योंकि मैं तो हर एक को अप्रिशिएट करता हूँ। कोई मुझे कहता है जी मैं गाना जी गाता हूँ या गाती हूँ तो वो मुझे वीडियो जी भेज देते हैं, तो मैं हमेशा तारीफ जी करता हूँ। तो मेरे जहन में अभी कोई है ही नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि आप अच्छा गाते हो या नहीं गाते, मैं यही कहता हूँ आप बहुत अच्छा जी गाते हो। ठीक है, खूब मेहनत करो। राहत फतेह अली खान साहब से, राहत फतेह अली खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है अभी तक? उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब मुलाकात नहीं, जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ बड़ी ठीक ठाक मुलाकातें जी होती रहती हैं। अच्छा ये आपका नाम जो है चाहत फतेह अली खान, ये आपका लकब है या ये आपकी जुर्रत है? जी नहीं जी भट्ट साहब, जब 7 साल पहले मैंने गाना शुरू किया, ठीक है, तो नाम चेंज कर लिया। मेरे एक जी दोस्त हैं जिन्होंने जी नाम चेंज किया, फिर जी बुखारी साहब जी यहाँ पे बैरिस्टर हैं, उसके बाद फिर मेरे जितने दोस्त हैं उसके ऊपर एंडोर्समेंट जी की मोहर कि बिल्कुल आप के लिए ये नाम। चाहत साहब आज हमारे साथ मौजूद, आपका मोबाइल आ गया। ओके चाहत साहब की इनकमिंग कॉल आ गई। अच्छा ये एक आपके बहुत जो सुपरहिट गाना था PSL एंथम, इसके अंदर आपने एक लाइन कही है, ये PSL का झंडा है इसमें ये डंडा है, ये क्या आपका एजेंडा है? मतलब शायर का किस तरफ ध्यान है? शायर का ध्यान किस तरफ है? क्या देख रहा था शायर? एक्सप्लेन करें। सारा शायर पूछना चाह रहा है इस शेर में। जी हर टीम का अपना झंडा है, हर टीम का अपना झंडा है, हर झंडे में एक डंडा है, इसका मतलब ये है। नौजवान हैं और हिम्मत वाले हैं उनके लिए। चाहत भाई ये जो आपने झंडे में डंडा, चाहत भाई बहुत अच्छा ये है, लेकिन ये जो झंडे में डंडा है ना ये हमारे हाथ में होना चाहिए। हाँ जी वाह वाह वाह,
हाँ जी इस फिर वो मिसाल पूरी हो जिसकी लाठी उसका चाहत, ये एंथम सुनना भी अदा गए, इसके बाद एंथम संसार हो जाए। अच्छा चाहत साहब, आपने आपने गाना जिन उस्ताद से सीखा है क्या वो हयात है? नहीं वो मेरे ख्याल से पहले दिन ही गुजर गए थे, गुजर गए थे। जी माशाल्लाह, तो मैंने मैंने जी बिल्कुल हयात है माशाल्लाह। तीन मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे अंदर प्यास थी, ठीक है, तो मैंने फेसबुक से ही स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जब 2 साल हो गए तो फिर मैंने सोचा कि मुझे द सिंगिंग की अलफ बेबे आनी चाहिए, ठीक है जी, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर मैंने 2 राग जी सीखे, ठीक है जी, सिंगिंग की चे सीखी है। चाहत साहब, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं आपसे ये पूछना जरूर चाहूंगा कि जाने से पहले PSL का वो एंथम होना चाहिए। हाँ, ये तो एंथम इतना हिट हुआ है, बच्चा बच्चा आपको एंथम सरगम कहता है। लाइव हमारे लिए प्लीज जी, उठिए फिर ऐसे बात नहीं। जी 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 जी, चाहत साहब आप सबकी भरपूर तालियों में PSL का एंथम ये बात। अपना अपना टीवी म्यूट कर दें, सुनाओ फिर उठिए। ये PSL है, ये जो अपना PSL है, ये जो प्यारा PSL है, ये जो अपना PSL है, ये सब प्यारी टीमें हैं, ये सब हमारी टीमें हैं। दलमी 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 पशावा पशावा दलमी कलंदर 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 लाहौर लाहौर कलंदर, ये सब बाबे दी चादर जा रही है, बाबे दी चादर जा रही है। सुल्तान सुल्तान जी, चाहत साहब के लिए तालियां जा, क्या बात है शाहद भाई, शहजादा मेरी दुआ है किसी दिन ट्रक के आगे परफॉर्म करो आप। सूप भेज रहा हूँ आपको ब्लेडों का। अधीर हजरात चाहत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज ऑल इन गुड फन जो हम लोग यहाँ करते हैं, हम लोग हंसी मजाक के लिए कर रहे होते हैं, एंड इट्स ऑल इन गुड फन। नताशा थैंक यू वेरी मच कि आप सुपर ओवर में आई और आपने अपनी जनरल नॉलेज को टेस्ट भी किया। जी